Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about complication of hemophilia. Yesterday हम लोगों ने discuss किए थे कि what is hemophilia, यानी कि hemophilia क्या है. Then उसके हम लोग causes भी discuss किए थे. Causes यानी कि कारण, किस वजह से हम लोगों को hemophilia होता है. Then risk factors भी discuss किए थे. Hemophilia के symptoms भी discuss किए थे. Symptoms यानी कि लक्षण. देन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किए थे. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या होता है, हम लोगों को कुछ भी इंजुरी रहेगी तो वो इंजुरी साइड से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. क्यों कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए उतने प्रॉपर नहीं रहते हैं. इस वजह से हम लोग कुछ भी इंजुरी रहेगी तो वो इंजुरी साइड से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. और ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स है, यानी कि ये अगर हमारे पेरेंट्स को ये हीमोफीलिया रहेगा तो हम लोगों को भी ये हीमोफीलिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. ये एक अनुवांशिक हीमोफीलिया, ये क्यूर नहीं होता है, यानी कि ठीक नहीं होता है. जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. जिस पर्सन को हीमोफीलिया रहेगा वो पर्सन को कंटिन्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, या जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स लेने पड़ते हैं. हीमोफीलिया पेशेंट को IV थ्रू ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रिप्लेस करते हैं. ओके, क्यों रिप्लेस करते हैं, अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है. सीवियर एनीमिया में तो जाएगा ही, बट शॉक में जाएगा और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है. डिस्कस करने वाले कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसमें फर्स्ट है डैमेज टू जॉइंट्स. हमारे जो जॉइंट्स है लाइक एंकल है, नी है और एल्बो है, यहाँ इंटरनल ब्लीडिंग होती है. इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से हमारे जो ये जॉइंट है ये जॉइंट बहुत पेन करते हैं, और ये कंटिन्यू ब्लीडिंग के वजह से हम लोगों को अर्थराइटिस भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. और इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से हमारे जो अदर्स ऑर्गेन्स है, यानी कि जिस साइड पर ज़्यादा ब्लीडिंग रहेगी तो वो ऑर्गेन डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहता है. देन सेकेंड है डीप इंटरनल ब्लीडिंग. अगर आप लोगों को सीवियर हीमोफीलिया रहेगा तो हमारे जो मसल्स है ये मसल्स में ब्लीडिंग होती है और ये मसल्स स्वेलिंग होते हैं. अगर मसल्स स्वेलिंग होते हैं तो हमारे जो नर्व है ये नर्व पर ज़्यादा प्रेशर आता है. ओके, और ये नर्व समटाइम नमनेस हो जाते हैं, और हमारे जो नर्व है ये नर्व बहुत पेन करते हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है. देन थर्ड है इन्फेक्शन. हीमोफीलिया के वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कम रहते हैं. इस वजह से हम लोगों को बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर्स लेने पड़ते हैं. ओके, बार बार बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर्स लेने के वजह से हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, लाइक हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. जिस पर्सन को हीमोफीलिया रहेगा वो पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. एवरी वीक या एक वीक में 2-3 टाइम भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो इस वजह से हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. देन लास्ट है ब्लीडिंग इन टू द थ्रोट और नेक. हमारे थ्रोट में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के वजह से हम लोगों को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है. तो ये थे हीमोफीलिया के कॉम्प्लिकेशन. अगर आप लोगों को हीमोफीलिया रहेगा तो जितना होता है उतना इंजुरी अवॉइड करनी है. प्रॉपर डाइट लेना है, जो हेल्दी डाइट है ये हेल्दी डाइट लेना है. अगर आपके फैमिली में ये हीमोफीलिया की हिस्ट्री रहेगी तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप करना है. और अगर आपको हीमोफीलिया रहेगा तो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो. थैंक यू.